दोबारा आपका खैर मकदम है। फिल्म लफ्जों में प्यार के फनकारों ने आज श्रीनगर में अपने फिल्म के रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये फिल्म एक मोहब्बत का मुसलस है। फिल्म की शूटिंग ज्यादातर कश्मीर के इलाके में की गई है। मशहूर बॉलीवुड अदाकारों अनीता राज, जरीना वहाब और ललित प्रेमो के अलावा कुछ मकामी फनकारों ने भी काम किया है। मशहूर गुलकार काबुल बुखारी ने इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी है। ये एक लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है, और आजकल के जो लड़के हैं अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान करके लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज और अलग अलग तरह के जो रिलेशनशिप बन रहे हैं उससे हट करके ये दिखाता है कि आप अगर फैमिली के वैल्यू को समझते हैं, अपने माँ बाप के फैसले जो लेते हैं वो हमेशा फैसले सही होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। और जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर है अशोक साहनी साहिल जी, वो उनका बचपन यहीं बीता है और उनके जो दादाजी थे वहाँ चीफ जस्टिस रहे हुए हैं और उनके यहाँ सेब के बागान भी रहे। और खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने फिल्म में 9 गाने लिखे हैं, वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत शायरियाँ करते हैं। उनकी शायरियों को देख कर ही मुझे ये फिल्म का आइडिया आया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कश्मीर के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले 30-35 सालों में काफ़ी ख़राब रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ न आने से कितने लोगों का रोज़गार छूट गया, और वो जो अब रिवाइव हो रहा है, ऐसे 10 साल पहले ही वो हो गया था, मैंने हैदर फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी, उसके अलावा उसके आसपास के समय में भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। और जब मैं यहाँ पर शूट कर रहा था, एक और फिल्म मैंने शूट की थी जो यहाँ की एक मशहूर पोएटिस है राज बेगम जी, उनके लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो तब भी यहाँ करीब 20-25 शूटिंग्स हो रही थी। तो ये तो समझा ही जाता है कि देखिए, अगर कोई फिल्म यूनिट यहाँ पे आती है शूट करने के लिए तो रोजगार बढ़ता है, लोकेशंस, टूरिज्म का फैलाव होता है, यहाँ के आर्टिस्ट को काम मिलता है, टेक्नीशियंस को काम मिलता है, यहाँ के छोटे छोटे मजदूरों को भी काम मिलता है, होटल्स में बुकिंग होती है, यहाँ का खाना सब जगह पहुंचता है, तो अपने आप ही रोजगार फैलता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो टूरिज्म थोड़ा सफर किया है पिछले कई सालों में, वो उसकी भरपाई इससे हो रही है और लेट्स होप कि ये बढ़ता जाए। देखें, अभी ये जो फिल्म बनी है अभी सर की लफ्जों में प्यार, इसमें ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि काफी सारे जो स्टार कास्ट है वो यहीं से है और सर भी यहीं से हैं, मैंने जो अपना पार्ट इसमें दिया है मैं भी यहीं का हूँ, और इससे पहले भी अभी एक रिसेंटली पिछले हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई, उसमें भी मेरा एक गाना जो एज म्यूजिक डायरेक्टर मैंने उसमें काम किया था, वो भी कश्मीर की टीम, ऑलमोस्ट 90% जो उसमें एक्टर्स हैं वो कश्मीर से। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो ये फिल्म्स इस तरह की बन रही हैं इनका ये मोटिवेशन भी है कि हम कश्मीरी लोगों को इसमें एंगेज करें ज्यादा से ज्यादा, और जो भी नए नए एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, उनको हम एंगेज करें। करने को अगर ये चाहें तो बॉम्बे से कहीं से भी एक्टर्स बुला सकते हैं, बट वही बात है कि दोनों तरफ से एक कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। इनके पास ये मोटिवेशन है कि हम कश्मीर में शूट करें और कश्मीरी यूथ्स को एंगेज करने से इनको भी हेल्प मिल जाएगी काफी चीजों की, कि अगर जब यहाँ का लोकल इंसान टीम के साथ जुड़ता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं।